A research says reading book helps you to cultivate human values, helps you to elevate your spiritual activities. इतना ही नहीं, it makes you more insightful. और आपके जो दोनों hemispheres है, मतलब दो हिस्से है जो brains के, वो दोनों को use करता है if you're reading a book. और उससे क्या होता है, if you use your both of the hemispheres, तो it helps you to control your speech, your emotions, your thoughts, everything. So in short, reading के बहुत benefits हैं और वही benefits आज हम discuss करने वाले हैं. So let's start with the first benefit of reading. So सबसे पहला benefit जो है आपको दिया जाता है reading की वजह से, it makes you more focused, more attentive. Yes, आपको books बहुत ज्यादा फोकस्ड बनाते हैं, इट मेक्स यू मोर अटेंटिव, बहुत कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो आपका डेवलप होता है. सो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको रीडिंग की वजह से होता है, दैट इट मेक्स यू मोर फोकस्ड इन एनीथिंग विच यू डू. सी, बुक्स जब आप रीड करते हो बहुत फोकस के साथ पढ़ते हो, तो अल्टीमेटली जब आप दूसरा कोई भी एक्टिविटी करते हो ना, उतना ही फोकस वहां पे डेवलप हो जाता है. वी डोंट नो दिस, वी डोंट इवन ऑब्जर्व, लेकिन ये रिसर्च है जो ये कह रहा है. कुछ लोगों पे रिसर्च किया गया था, उसके बाद ये चीजें ऑब्जर्व की गई है. एंड येस, दे से रिसर्च के थ्रू दे से दैट इफ यू आर रीडिंग अ बुक, इट हेल्प्स यू टू बी मोर अटेंटिव, इट हेल्प्स यू टू बी मोर फोकस्ड. दूसरा जो बेनिफिट है, दैट इज इट प्रिवेंट्स ओबेसिटी. Yes, nowadays we all want to be fit. Everybody wants to be fit, right? लेकिन ये जो prevention है obesity का, it is on kids, right? मतलब kids के ऊपर एक research किया गया था. Kids ranging from 9 to 13 से या below 15 के जो भी kids थे, उनके ऊपर एक research किया गया था. They were given literary books, ठीक है, literature के related जो भी books थे वो उनको पढ़ने के लिए दिए गए थे. और उसके बाद develop किया गया उनमें वो habit कि वो book read करें. और जैसे जैसे वो book read करते गए, The researchers found that obesity को भी prevent किया जा सकता है बच्चों में, अगर उनको books आप ज्यादा में ज्यादा दो पढ़ने के लिए. So reading helps in prevention of obesity in kids. उसके बाद it helps defeating insomnia. Yes. Insomnia, sleepless nights. मतलब लोगों को, जिन लोगों को नींद नहीं आती है रात में, उन लोगों को books पढ़ना एक helpful एक्टिविटी है जिनसे उनको नींद आने लगती है. दिस इज ऑल्सो थ्रू अ रिसर्च. एक रिसर्च किया गया था जिनमें लोगों को कहा गया था कि जिन लोगों को नींद नहीं आ रही थी, हु वर हैविंग इनसोम्निया, उनको कहा गया था कि सोते वक्त, ड्यूरिंग बेड टाइम, स्टार्ट रीडिंग अ बुक, कोई भी बुक, ठीक है, द वन विच यू फील इंटरेस्टेड, कोई भी बुक रीड कीजिए. और जैसे जैसे वो डेली बुक रीड करते गए, दे फाउंड दैट येस, दे वर हैविंग स्लीप, प्रॉपर स्लीप एट नाइट. ये कैसे होता है, तो देखिए, जब भी आप बुक रीड करते हो, जनरली टेक योर ओन एग्जाम्पल, मतलब मैं अगर मेरा भी एग्जाम्पल दूं, तो जब भी मैं बुक रीड करती हूँ कोई भी, मतलब इवन इफ रिलेटेड टू आर स्टडीज, तो जनरली स्टार्टिंग में वी फील स्लीपी. ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, इट स्टार्ट्स डेवलपिंग दैट हैबिट. उनको एक अलार्म दिया जाता है, एक क्लॉक सिस्टम वो डेवलप कर लेता है कि अगर आप बेड टाइम के वक्त बुक पढ़ते हो तो इट मेक्स यू स्लीपी. तो यही टेक्निक इंसोमनिया के लिए यूज किया गया था. अगर आपको इंसोमनिया है तो आपको बुक रीड करना चाहिए और वो हेल्प करेगा आपको इंसोमनिया डिफीट करने के लिए. उसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इट हेल्प्स, रीडिंग हेल्प्स इन डिफीटिंग अल्जाइमर्स. यस, अल्जाइमर्स ही नहीं, आपके जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स है उसको डिफीट करने में हेल्प करता है रीडिंग. देखिए, रीडिंग आप जब करते हो तो आपको वो चीजें याद रहती है. देखो, कोई भी बुक आप रीड कीजिए, कोई भी बुक, ठीक है, वो आपको पूरा बुक याद नहीं रहता, लेकिन कुछ कंटेंट याद रहता है कि अच्छा व्हाट द बुक वाज अबाउट, आप दो लाइन में उसको बता सकते हो. तो इससे क्या होता है, इट स्टोर्स द पावर इन योर ब्रेन. और अल्टीमेटली देखा गया था रिसर्चर्स के थ्रू दैट इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग अल्जाइमर्स इवन. एक रिसर्च कंडक्ट किया गया था जिनमें जो लोग बुक्स पढ़ रहे थे उनको सेपरेट रखा गया था, और जो बुक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे उनको सेपरेट रखा गया. तो अगर इनमें से लोगों को अल्जाइमर्स डिटेक्ट हुआ था, तो ये देखा गया कि जो लोगों ने बुक्स पढ़े थे अपने लाइफ टाइम में या पढ़ रहे थे, उनका अल्जाइमर्स जल्दी प्रिवेंट हो गया या जल्दी क्योर हो गया. ठीक है, सो इट helps in preventing Alzheimer's also. एक रिसर्च के थ्रू बताया गया था that even strokes can be overcome through reading books.
यस सो हमारा अगला पॉइंट यही है कि स्ट्रोक्स को डिफीट किया जा सकता है अगर आप एक अच्छे रीडर हो. तो स्टार्ट डेवलपिंग हैबिट ऑफ रीडिंग, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिफीटिंग स्ट्रोक्स. उसके बाद रीडिंग इज अ बिब्लियोथेरेपी, इज यूज इन बिब्लियोथेरेपी. अभी वॉट इज बिब्लियोथेरेपी, तो ये समझने की कोशिश कीजिए. बिब्लियोथेरेपी का मतलब होता है बुक्स यूज किए जाते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में. मेंटल डिसऑर्डर्स जिन लोगों को हुए हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिन लोगों को हुए हैं, उन लोगों को ट्रीट करने में भी बुक्स बिब्लियोथेरेपी यूज किया जाता है, बुक्स का इस्तेमाल किया जाता है. उनको अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के बुक्स रीड करने दिए जाते हैं थ्रू विच उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी दूर किए जाते हैं. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है आपको, मेंटल डिसऑर्डर्स है जैसे हमने डिस्कस किया, अल्जाइमर्स है, इंसोम्निया है, अगर ऐसे कोई भी या इसके अलावा भी अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो वो बुक्स के थ्रू, रीडिंग के थ्रू दूर किए जा सकते हैं. इनफैक्ट रिसर्च तो कहता है कि अगर आप एक अच्छे रीडर हो तो ये डिजीजेस शायद आपको होंगे ही नहीं. सो व्हाट इज इट, रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 5-6 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो रीडिंग के थ्रू डेवलप किए जा सकते हैं. एक आपको बैलेंस्ड लाइफ देगा, सिर्फ फिजिकल ही नहीं लेकिन मेंटल प्रॉब्लम्स को भी दूर रखता है रीडिंग. रीडिंग से और क्या होता है, तो देखिए रीडिंग्स हेल्प्स यू इन गिविंग यू बैलेंस्ड लाइफ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बुक्स नेवर जज यू. ठीक है, जब भी आप बुक पढ़ते हो वो आपको जज नहीं करता कि अच्छा ये बंदा तो मुझे आज पढ़ रहा है, दो दिन के बाद तो पढ़ेगा भी नहीं, या आज तो मुझे छोड़ दिया कल दूसरे बुक को ले लिया, ऐसा भी नहीं है. राइट, सो बुक्स डोंट जज यू, दे गिव यू वॉट एवर दे हैव, होल हार्टेडली दे गिव यू द एवरी कंटेंट ऑफ द बुक इन विच इट इज देयर. उसके बाद दे डोंट इवन आस्क फॉर क्रेडिट. अगर आप कुछ अच्छी चीजें अडॉप्ट कर लेते हो अपने लाइफ में बुक्स के थ्रू तो वो बोलते नहीं है नीचे लिख देना ये बुक से तुमने ये क्वालिटीज को अडॉप्ट किया था. राइट, सो रीडिंग हेल्प्स इन एन नंबर ऑफ वेज. सो ये एक शॉर्ट वीडियो था जहां पे मैंने आपको बताया कि हाउ रीडिंग हेल्प्स और रीडिंग के आपके हेल्थ के ऊपर क्या बेनिफिट्स रहेंगे, आपके साइकोलॉजिकल वेज को, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कैसे वो सॉल्व करेगा, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है ये शॉर्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू एंड यस स्टार्ट रीडिंग.